हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल का आपका स्वागत है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे यार, आज हम एक डिस्कशन करेंगे कैसे हम विंडोज 10 पर हम डेट एंड टाइम को एडजस्ट करा सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी के लिए सब्सक्राइब करना फ्री है। कुछ टाइम के बाद, एक साल या डेढ़ साल के बाद, आपको पैसा देना पड़ेगा सब्सक्राइब कराने के लिए। क्यों, मैं अभी नहीं बता नहीं सकता, कुछ गाइडलाइंस भी है। तो फ्रेंड्स, आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, इसके लिए आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए और सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए टाइम एंड लैंग्वेज, यहाँ पर आप टाइम एंड लैंग्वेज पर क्लिक कीजिए। देखिए डेट एंड टाइम, देखिए 19:20 हो चुका है, मतलब 7:20 हो चुका है, 27 मई 2019 का है। सेट टाइम ऑटोमेटिकली, हमेशा लैपटॉप को सेट टाइम ऑटोमेटिकली पर ही रखिए। सेट टाइम ऑटोमेटिकली ऑन कीजिए हमेशा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो ऐसा ही कीजिए, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो इसको ऑफ कीजिए और इसको आप देखिए यहाँ पर जो चेंज डेट एंड टाइम आ गया, इसमें आप चेक क्लिक कीजिए और इसको डेट सेलेक्ट कीजिए मैन्युअली अपने तरीके से। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, अगर है तो आप ऑटोमेटिकली सब रखिए, क्योंकि सबसे अच्छा होता है वही। ठीक है, हाँ, ब्राउजिंग करने के लिए वो सबसे अच्छा होता है। 27 मई 2019 यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये आ गया। वो मंथ को चेंज करने के लिए इसको आ गया, इसको स्क्रॉल कीजिए वो भी हो जाएगा। और यहाँ पर डेट को चेंज करने यहाँ पर स्क्रॉल कीजिए, ये भी हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर आप ये जो कीबोर्ड पर यहाँ पर प्रेस कीजिए वो भी हो जाएगा। ठीक है, और टाइम यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और स्क्रॉल कीजिए, ने 8, 6, 4, 5, 10, 11, 12। ठीक है, और 21 और डेट, सॉरी टाइम 21, 22, 23, 24, 60 के होगा। ठीक है, देखिए 60 तो नहीं है, 00 है। ठीक है, PM, OM जो भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप सेट टाइम ऑटोमेटिकली एंड सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली पर ही प्रेस कीजिए, क्योंकि सभी ब्राउज़र अभी के लिए, आज के टाइम की बात करूँगा तो सभी वो नेट इंटरनेट से ही जुड़े हुए हैं। अगर आप सेट टाइम ऑटोमेटिकली, सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली करेंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, डिले नहीं होगा। ठीक है, आप कुछ ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ न्यूज आ रहा है, ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूज और डेट रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। ठीक है, आप सोच रहे हैं, आप याद कीजिए बोर्ड का, 10th बोर्ड का रिजल्ट आना है 10:00। ठीक है, सेट टाइम ऑटोमेटिकली, सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली आप नहीं करेंगे तो 10:00 के बाद भी आपको लैपटॉप पर नहीं आएगा। अगर डेट एंड टाइम जोन ऑटोमेटिकली फिक्स होगा, वो खुद भी खुद वो चलाएगा। मैंने सेट टाइम ऑटोमेटिकली, सेम टाइम जोन ऑटोमेटिकली फिक्स नहीं किया था। मैंने रिजल्ट को देखने के लिए मैंने प्रेस कर रहा था, लेकिन वो दिख रहा था साइड नॉट रीचेबल। 1 घंटा मैंने बीत गया, मैंने कुछ कर नहीं सका, क्योंकि मुझे पता नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मुझे याद आया कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया। मैंने लैपटॉप को खंगालने शुरू कर दिया, फिर सोचा मैं तो ये तो टाइम तो गलत शुरू कर रहा है, सिर्फ 2 मिनट का फर्क था। ठीक है, लेकिन वो आया नहीं,
इतने छोटी सी मिस्टेक के लिए इतना बड़ा सजा मुझे मिल गया, मैं जानता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी वीडियो आपको मिलेगा फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है, आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त मेरे यार।